दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर टॉनी रॉबिन्स के मेंटोर ने उनसे एक बार कहा था कि अगर आप एक दिन अपनी बॉडी को खाना नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर एक दिन आप स्टडी नहीं करेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपके दिमाग को उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाएंगे और आप अपनी लाइफ में 10 साल पीछे हो जाओगे। कैन यू इमेजिन, ये कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली बुक रीडिंग जो होता है वो दिमाग के लिए एक्सरसाइज होता है, वो हमारे दिमाग को नरिश करता है, हमारे दिमाग को खाना देता है, हमारा दिमाग हमारे दिमाग के पर्सपेक्टिव को खोलता है, हमारे दिमाग को ओपन करता है। तो ये कितनी बड़ी लाइन है कि अगर हम लोग एक दिन भी बुक नहीं पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को उसकी भरपाई करने के लिए 10 साल लग जाएंगे और हम लोग 10 साल पीछे हो जाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं कि अगर आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बुक्स पढ़ो, और आप हमेशा के लिए इमॉर्टल बनना चाहते हो तो आप बुक्स लिखो। तो ये है बुक्स की पावर। एक्चुअली एक बहुत ही फेमस फ्रेज है कि जो इंसान किताबें पढ़ता है वो हज़ारों साल ज़िंदा रहता है और वो कई सारी ज़िंदगी जी लेता है। क्यों जी लेता है? क्योंकि जब कोई इंसान बुक लिखता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी का सार, अपने 30 साल, 40 साल, 50 साल की एक रिसर्च को एक बुक में समा देता है, एक बुक में कंपाइल कर देता है। और जब आप उस बुक को पढ़ते हो तो सोचिए आपको कितने सारे आइडियाज़ जानने को मिलते हैं। आपको उस बंदी की लाइफ के 30 साल 40 साल की मेहनत को बस थोड़े से टाइम में ही एक्सेस करने का मौका मिलता है। ये कितनी ग्रेट बात है। मुझे लगता है कि बुक से ज़्यादा बेस्ट चीज़ कोई हो ही नहीं सकती कि कोई एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर उस बुक को लिखता है और आप उसको 200, 300 और 400 रुपये में एक्सेस कर लेते हो। कैन यू इमेजिन, ये कितना सस्ता सौदा है। लेकिन फिर भी लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मुझे बुक रीडिंग करना इतना पसंद नहीं है एक्चुअली में, लेकिन मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मैंने एक हैबिट बनाया हुआ है। मेरे आसपास चारों तरफ बुक्स ही बुक्स हैं, मैं रख देता हूँ जानबूझ करके और मैं किसी भी बुक्स को उठा के पढ़ लेता हूँ। मुझे पहले लगता था कि जब आप एक बुक को पढ़ते हो तो उसको पहले ख़त्म करना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखोगे, बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स को देखोगे, जैसे अली अब्दाल, अंकुर वारी को, ये लोग बुक पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बुक को पढ़ के पूरा ख़त्म कर देते हैं तब दूसरा बुक स्टार्ट करते हैं। वो लोग एक बुक को पढ़ते हैं, अगर उससे बोर हो जाते हैं दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा पढ़ लेते हैं। तो वो लोग ऐसे करके बुक्स पढ़ते हैं। और बुक्स आर द बेस्ट थिंग जो आपको लाइफ में ग्रोथ दिलाती है, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं। बुक्स के बारे में सबसे कमाल की बात यह लगती है कि आप दुनिया के किसी भी बड़े इंसान को देख लो और आप उनका इंटरव्यू देख लो, वो सारे लोग किताबें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खास बात होगी किताबों में। दुनिया के किसी भी ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर, किसी भी बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो सारे लोग किताबें पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किताबों में कुछ ना कुछ खास बात है, किताबों में कुछ ऐसी खास बात है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो ये रहा मेरा एक छोटा सा एफर्ट अबाउट बुक्स। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।